हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है फ्राइडे और इधर इधर और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। तो आज साउथ में बहुत बड़ा एक त्यौहार है जिसको बोलते हैं वरलक्ष्मी। लक्ष्मी जी की पूजा होती है और यहाँ लेडीज़ जो होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, मतलब अच्छे से सस्ती संवरती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, गोल्ड वोल्ड खूब पहनती हैं। तो आज वही है यहाँ पे। तो मैंने भी पूजा कर लिया, मुझे उतना पता नहीं है कैसे करते हैं, बट नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं वैसे मैंने भी लक्ष्मी जी की पूजा की। और अभी मुझे जाना है किचन में, और चलिए आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ आज मैं। जो लोग पालक नहीं खाना पसंद करते हैं, एक अलग सा टेस्ट आता है पालक का, तो लोग उसको पसंद नहीं करते ज़्यादा खाने के लिए। तो मैं इस तरीके से सब्ज़ी आपको बताऊंगी बनाने के लिए जिसमें आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। मतलब वो जो एक टेस्ट पालक का आता है ना, अजीब सा, तो लोग खाना पसंद नहीं करते, तो वही मैं पालक की एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और जो बच्चे नहीं खाते पालक वो भी खाना स्टार्ट करेंगे, वो सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनती है। पालक की दाल बनती है, पालक के पराठे बनते हैं, पालक पनीर बनता है, बट आप ये भी ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। और क्या ट्रिक्स है, मे भी उसका कलर चेंज हो सकता है वो जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी, बट खाने में स्वाद बहुत टेस्टी आता है उसका, और आप उस तरीके से अगर पालक पनीर भी बनाते हो तो भी अच्छा लगेगा आपको। तो चलती हूँ किचन में और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज का डे भी बिजी बिजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे DIY करना है, तो एक तो कंप्लीट हो गया है, अभी उसको लगाना है मुझे फ्रेम को, और एक कंप्लीट करना है। तो आज मुझे वो जो धागे दिखाए थे उससे मुझे बनाना है और उसमें लगाने हैं। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। और ये देखिए शिवांशी मैडम क्या खा रही है, गंदा गंदा, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी सो के उठी है और अभी इसको भी स्नान कराना है मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी सो के उठी है, तुरंत नहीं कराऊंगी, थोड़ी देर बाद। तो तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ और फिर राइस और रोटी रह जाएगा, रायता बनाना है। तो चलिए किचन में चलते हैं आपको लेके और आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। तो ये पालक है और इसको मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद में इसको ग्राइंड कर लिया है, और इसमें डाला था मैंने हरी मिर्च और लहसुन 5-6 कली। तो इसको पेस्ट बना लिया फिर मैंने, और अब मैं जा रही हूँ ऑनियन कट करने। तो ये है ऑनियन, एक तरफ मैंने ये कढ़ाई रखी है, एक तरफ कुकर रखा है। तो कढ़ाई में ऑयल डाल के फिर ये जो मैंने प्यूरी बनाई थी पालक की, इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो एक टेस्ट आता है अजीब सा वो चला जाए। तो इधर जो ऑयल गरम किया कुकर में, इसमें ये तेज पत्ता, दालचीनी और 2 इलायची डाल देंगे, ये हो गया। और अब ये डाल देंगे कटा हुआ प्याज, और इधर ये पूरी डाल देंगे, तो पूरी ज़्यादा हो गई है तो मैं सोच रही शाम को पराठा बना लूँगी। इधर कट कर लेते हैं ये टोमेटो, आप चाहो तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। मैं भूल गई एक्चुअली, मैं उसको पालक को ग्राइंड करते समय अदरक नहीं डाला, याद ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। बाकी अगर आप जब ग्राइंड करो और अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दो, खाली कोई ज़रूरत नहीं है, खाली ऑनियन फ्राई कर लो, मसाले डाल दो, टमाटर डाल दो, बस हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें पेस्ट यूज करूंगी क्योंकि अदरक मेन, मतलब अदरक से टेस्ट अच्छा आता है। और ये है पोटैटो, ये मैंने बॉयल कर लिया, तो आलू और पालक बनाएंगे। तो ये बच गई है ग्रेवी,
तो ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और शाम को देखते हैं इसका क्या होना है। दो पोटैटो भी बच गए थे बॉइल्ड, तो ये दोनों को मिला के देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। आज पालक ही खाना है पूरे दिन पालक पालक, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और उधर सब्जी बनने वाली है, हम जा रहे हैं लौकी कट करके रायता के लिए, हम लौकी कट कर दूँगी। इसके बाद में राइस रोटी हो गया खाना रेडी। ये सब्जी तो रेडी कर दी मैंने, अभी बाकी का खाना बना लेते हैं। तो ये सब्जी बन गई है, देखो ये मिल रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं सब्जी बना ली है, अब बाकी का खाना रेडी कर लेते हैं क्योंकि लंच टाइम हो रहा है जल्दी जल्दी। लड़कों को नहलाना भी है फटाफट, तो उसको एक्साइट करके फिर अभी जा। तो यहाँ पे शिवांशी को मैंने नहला दिया था और मुझे देखना था न्यूज़ थोड़ी देर, तो मैंने टीवी ऑन करके रखा था और इनको भी न्यूज़ देखना है। शिवांशी मैडम बहुत शौकीन है न्यूज़ की, समझ कुछ नहीं आता है बट बहुत ध्यान से देखती है न्यूज़। और इधर मैंने उसको कुछ खाने के लिए दिया था तो खाना कम फैलाना ज़्यादा चालू है उनका। ऐसे ही मेरा दिन जाता है, पूरे दिन झाड़ू लगता रहता है क्योंकि इतना गंदा करती हैं घर। और मैंने ये सारे हेयर बैंड इसको ख़रीदे थे, ये कभी नहीं लगाती लड़की हेयर बैंड, अभी अभी बड़ी हो गई समझदार हो गई तो नहीं लगाती है। उसको पता चल जाता है मेरे सर में कुछ लगा हुआ है, ये इसने निकाल दिया पूरा। और मैंने ये मंगाए थे सारे ऑनलाइन, बहुत सारे हैं इसके पास हेयर बैंड, लेकिन अब नहीं लगाती है कुछ भी, अब सारे रखे हुए हैं। अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो भले ही लगाए, इसलिए मैंने इसका मंगाना बंद कर दिया हेयर बैंड वगैरह। और इधर मस्त है खाने में तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी उसकी बदमाशी। और इधर पापा उनके बाहर गए थे तो बाहर से आए तो वो देख के एक्साइटेड हो रही है, ये देखो खुश कितनी है तो इधर खाना भी रेडी हो गया, दोपहर का लंच यही सिंपल सा खाना था आज। ये शिवांची, ओ शिवांची देखो इधर मम्मा की तरफ देखो, सोना क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो, मम्मा को दे दो, सोना मम्मा को दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो बिस्किट, दे दो बिस्किट, दे दो भाई, नहीं नहीं दे दो मेरा बच्चा। ओ ऐसे देता है क्या, कोई खाली हाथ देता है क्या, दे दो सोना दे दो, दे दो मेरा बच्चा थोड़ा सा दे दो मुझे। ये देखो बदमाश शिवांची टीवी में न्यूज देख रही है शिवांची मम्मा को बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपसे मैं मिल रही हूँ, अभी शाम के सो रहे हैं 6:30 और मैं रेडी होके सोच रही होंगे आप कहाँ जा रही हो तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, उनके यहाँ आज उत्यापन है तो उन्होंने कल बुलाया था, तो वही मैं रेडी हो गई। 7 बजे से है स्टार्ट है, तो मैं सोची चलो रेडी हो जाती हूँ, शिवांशी को पापा के पास छोड़ा मैंने और ये मैंने रेड कलर की साड़ी डाली है आज, आज लक्ष्मी पूजा भी थी तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं। वैसे तो पहनने का मौका ही नहीं मिलता साड़ी वाड़ी, कोरोना की वजह से कहीं आना जाना है नहीं, घर में पहनने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा चलो ये डाल लेते, बहुत दिन हो गई थी नहीं पहना मैंने। तो आपसे मैं मिलती हूँ फिर वहाँ से आके दोबारा, और चलिए चलते हैं फिर उनके यहाँ आ जाती हूँ मैं। तो ये है प्रसाद और ये श्रृंगार का सामान है, सब लगा रही हैं उस पर प्लेट में,
ये सबको दिया जाएगा। तो गाइज मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और पूजा से आने के बाद में डिनर रेडी करना था। तो शिवांशी भूखी थी, उसको मैं छोड़ के गई थी पापा के पास, तो भूखी थी, रो रही थी, फिर मैंने उसके लिए डिनर बनाया, उसके बाद अपने सबके लिए बनाया डिनर। तो पालक ऑलरेडी मैंने प्यूरी जो बनाई थी वो बच गई थी पेस्ट पालक का, तो वही मैंने पराठे बना लिए, आलू भी बच गए थे तो पराठे बनाए थे और दही था तो दही पराठा हो गया रात का। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज जो मेरा टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, मैंने सोचा था मेरा जो DIY था उसको मैं आज कंप्लीट कर दूँगी, बट नहीं हो पाया, बहुत काम हो गया था, बट कोई नहीं, कल देखती हूँ, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, और नहीं हुआ तो त्यौहार के बाद, मतलब रक्षाबंधन के बाद देखती हूँ, क्योंकि त्यौहार रक्षाबंधन आने वाला, हो सकता है मेरा भाई आएगा, तो यहीं पर रहता है बेंगलोर में, तो तैयारी करनी है और उसके बाद देखते हैं, अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं आगे, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, और जो भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, और एक दिन भी अगर मिस हो जाता है तो लोग पूछते हैं ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं अब कोशिश करती हूँ, डेली डालूंगी, कोशिश करूँगी, हाँ पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं डेली दूंगी आपको ब्लॉग डालूंगी, मैं कोशिश करूंगी डेली ब्लॉग डालने की। और मैडम शिवांशी की वजह से थोड़ा सा काम रुक जाता है। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।